नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज खबरों के साथ। मैं हूँ वर्षा सिंह और अब लेकर आ गए हैं हम एक्स्ट्रा टॉक टाइम की ये खास खबर। भारतीय क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप जीतने के बाद अब इसका जश्न अपने परिवार वालों के साथ मना रही है। जानिए विराट कोहली ने किस तरह मनाया अपनी जीत का जश्न अपने भांजे भांजियों और अपनी बहन के साथ, और इस पल में वो बहुत भावुक भी नजर आए। क्या है पूरी खबर एक्स्ट्रा टॉक टाइम में लेकर आए हैं हम आपके लिए। किंग कोहली ने अपने भांजे भांजियों को मेडल पहनाया और इसकी तस्वीरें सामने भी आ गई हैं, और इसकी तस्वीरें उनकी बहन भावना कोहली डिंगरा ने सोशल मीडिया पर साझा की। वहीं होटल में कोहली की मां और बहन उनसे मिलने के लिए भी पहुंचे थे। ये बड़ा ही खास मोमेंट था क्योंकि इतने समय बाद परिवार से मिलना और जीत का जश्न मनाना, ऐसे में हर कोई भावुक तो हो ही जाएगा। T20 विश्व कप 2024 का खिताब जीतकर टीम इंडिया गुरुवार को भारत लौट आई। रोहित शर्मा की सेना की वापसी से पूरे देश में जश्न का माहौल है। दिल्ली एयरपोर्ट पर भारतीय खिलाड़ियों के स्वागत के लिए फैंस का हुजूम उमड़ पड़ा। वहीं जिस होटल में टीम इंडिया पहुंची उसके बाहर भी प्रशंसकों का जमावड़ा देखने को मिला। भारतीय टीम लगभग एक महीने बाद स्वदेश लौटी है। परिवार से इतने लंबे समय तक दूर रहने के बाद भारतीय खिलाड़ी भावुक हो गए। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि विराट कोहली के स्वागत के लिए उनका पूरा परिवार ITC मौर्या पहुंचा। इस दौरान कोहली उन्हें देखकर भावुक हो उठे। किंग कोहली ने अपने भांजे भांजियों को मेडल पहनाया। इसकी तस्वीरें उनकी बहन भावना कोहली ढींगरा ने सोशल मीडिया पर साझा की। वहीं होटल में कोहली की माँ और बहन उनसे मिलने के लिए भी पहुंचे। भारतीय टीम के स्वागत के लिए फैंस का जमावड़ा दिल्ली हवाई अड्डे के बाहर देखने को मिला था। भारी संख्या में लोग रोहित शर्मा की सेना का स्वागत करने पहुंचे। 17 सालों का उनका इंतजार खत्म हुआ और भारत ने इससे पहले 2007 में तत्कालीन कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता। फिलहाल कोहली की परिवार की ये तस्वीरें वायरल हो रही है।